नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर जारवाल सच के रफ्तार में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं पुरुषोत्तम चोपड़ा जी से मिलने आया हूँ। मैंने काफी समय से इनके बारे में सुना था। ये एक समाज सेवी है, परंतु अभी किसी कारणवश जेल में है। इनके पास आने का कारण ये था कि आजकल समाज में बहुत से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, परंतु बलात्कार और गैंगरेप ये अत्यधिक हो गए हैं। बलात्कार करने वाले अपराधियों की मानसिकता क्या होती है, क्यों वो ऐसे अपराध करते हैं, इसके बारे में मुझे लगा कि इनसे बेहतर शायद कोई और हमें नहीं बता पाएगा, तो इसी के लिए चर्चा करने के लिए आज हम इनके पास आए। पुरुषोत्तम जी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जैसे हमने सुना कि पहले आप समाज सेवा भी करते थे, परंतु किसी कारणवश आप बिहार चले गए, जेल में है, सजा काट रहे हैं, तो क्या कारण है, क्यों आपके साथ ऐसा हुआ? धर्मवीर जी, ऐसा है कि जेल में मैं भी हूँ और मेरे से बहुत से लोग हैं, आपकी उम्र के और कम उम्र के लोग भी हैं, किंतु ये धारणा की जेल में जितने लोग हैं सभी अपराधी नहीं करते थे। अब जेल में तो आजकल कोई भी किसी भी कारण से क्या कारण चला जाता है। आप ये सब छोड़िए कि मैं कैसे चला गया, आप मुझसे जो पूछना चाहते हैं वो पूछिए। पुरुषोत्तम जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आजकल हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर बलात्कार की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और बलात्कार के अलावा जो गैंगरेप किए जाते हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आजकल बच्चे वगैरह 3-3 महीने के बच्चों के साथ, 8-8 साल की लड़कियों के साथ, 7-7 साल की बुजुर्ग महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, तो इन अपराधियों की जो मानसिकता होती है वो क्यों ऐसा करते हैं, क्या कारण होते हैं कि उनकी वजह से वो लोग ऐसा करने पर विवश होते हैं, ये आपराधिक इनकी प्रवृत्ति होती है या ये किसी दबाव में या किसी गलत धारणा के चलते ऐसा करते हैं, तो हमें लगा कि शायद आप इनके बीच में रहते हैं हमेशा, तो आप हमें ज्यादा अच्छे से इनके बारे में बता पाएंगे। आपका जो ये प्रश्न है ज्वलंत है, हम भले ही मैं जेल में हूँ, समाज का ये एक माध्यम है और जेल में रहने वाले सभी लोग समाज से ही जेल रहे हैं, वो भी एक समाज है जेल। कारण जो रेप केसेस क्या सभी केसेस पड़ रहे हैं, अपराध हर प्रकार का बढ़ ही रहा है। इसमें मानसिकता अपराध की लेकर कोई भी व्यक्ति संसार में पैदा होता नहीं, वहां के फिर से कोई अपराधी बनकर नहीं आता। हमें हालात और कारण लोग हैं जीवन के अंदर, किसी भी कारण से कोई घटना घटती है, उससे ही आदमी आगे उसका जो है जीवन का उसका स्वरूप बनता है। अब आज जो रेप केसेस हुए हैं, मैं तो जेल में हूँ, वहाँ हर प्रकार का अपराधी है। एक तो ऐसे इनका काम ही है चलो बाहर लूट मार करना, छोटे मोटे केसेस भी हो रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे के अंदर वो भागने के लिए वो हम पकड़े ना जाए इस चक्कर में चाकू या कट्टों से गोली चला लेना वो करना पड़ता है, कर रहे हैं लोग, मजबूरी है। तो ये जो कारण है अपराध बढ़ने का ना, गरीबी का अत्यधिक बढ़ना और अशिक्षा का बढ़ना। तो जहाँ तक आपने जो क्वेश्चन किया रेप का, रेप केसेस अब हो रहे हैं, मेरी अवस्था में 63 साल का हो गया और तो अभी मैं 7 वर्ष से लगातार में कारावास में हूँ। वहाँ भी सुधार कार्य होता है, कैदियों को सुधारने के लिए है। जैसे आजकल तो हम वहाँ जो एकदम आश्रम अधिक शब्द प्रयोग करते हैं जी। वैसे तो कानून का काम यही है कि व्यक्ति को सुधारा जाए, किंतु कानून में भी बड़ी खामियां हैं। आजकल जैसे मान लीजिए जज हैं, पहले जज एक एक्सपीरियंस भी किया करते थे केसेस में, इसको कैसे कम किया जा सकता है, इस व्यक्ति को कैसे सुधारा जा सकता है, ऐसे व्यक्ति ने अगर ये किया है तो क्यों किया। अब रेप केसेस का तो कोई कारण नहीं, रेप कर दिया वाले छोटी बच्चियों से रेप हो रहा है, आजकल छोटी बच्चों से रेप हो रहा है, वो इतने क्रूर तरीके से हो रहा है कि वो उनकी हत्या तक कर रहे हैं और रेप केसेस कर रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा थोड़ा पता सा भी लगता है कि 63 वर्ष के बुजुर्गों ने छोटी बच्ची से रेप किया या 60 वर्ष के, लेकिन कारण तो है जो छोटी बच्चियों से रेप हो रहे हैं, ये तो रेप है। या रेप हुए जो कोई बहुत दबंग लोग किसी को
औरत को उठा लिया किसी स्त्री का, अपहरण कर लिया या लड़की का और वो रेप हो गया, या रहा चलती कोई स्कूल की छात्रा है या कॉलेज स्टूडेंट है उनका अपहरण हो के रेप हो गया, तो रेप केसेस हैं, रेप हुए हैं। किंतु एक लड़की रात को 9:30 बजे अपने घर से निकलती है और 30 किलोमीटर दूर जाती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का उसका बर्थडे है, जन्मदिन है, वो मनाने जा रहे हैं और अकेली लड़की वहाँ जा रहे हैं और पता चलता है कि रेप हो गया, क्यों हो गया, किसी को दोस्त के पास उसका जन्मदिन मनाने के लिए गई थी शुभकामना देने, वहाँ उसके दो मित्र थे, उन्होंने शराब पी हुई थी, मुझे नशीला ड्रिंक पिला दिया, ये सब रेप कैसे चल रहे हैं। या मैंने कार में मैंने लिफ्ट ले ली, ये लिफ्ट क्यों ले ली, कोई गाँव से आई महिला दादी भटक गई रास्ते में, पढ़ी लिखी समझ नहीं आता, पढ़ी लिखी औरतें, पढ़ी लिखी लड़कियाँ 25 वर्ष से ऊपर की, 30 वर्ष से ऊपर की, मैं जा रही थी, मैंने लिफ्ट ले ली, क्यों ले ली, और फिर उस कार में अगर पहले से 3 लोग बैठे हैं, अभी पीछे एक केस गुड़गावा अगर हुआ था, मैंने कार में लिफ्ट ली, पहले से 3 लोग बैठे बियर पी रहे थे, अरे जिस कार के अंदर पहले बैठ के 3 लोग बियर पी रहे हैं तो उसको बैठने की आवश्यकता क्या है। और वो भी केसेस पकड़े जा रहे हैं, अभी पीछे एक केस था पुलिस पुलिस बिल्डिंग हेडक्वार्टर के नीचे, वहाँ से किसी ने पुलिस को डायरी करके बोला था कि मेरा रेप हो गया है, फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि नहीं वो किसी कार का पीछा कर रहे थे और उनके साथ दूसरा कोई आदमी था, एक भी कार से उतर के उन्होंने खाली अगली कार का नंबर लेकर और उसका नंबर दे दिया कि इस गाड़ी में मैं बैठी थी, उन्होंने मुझे रेप कर के यहाँ छोड़ दिया। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपके खिलाफ किसी लड़की ने कह रहे थे मेरे से रेप किया, आपको पुलिस ने उठाया भाई लड़की आपको जेल में डाल दिया, अब उसकी तो डॉक्टरी हो रही है रेप हुआ कि वो आपकी थोड़ी हुई है, आपकी तो होती नहीं, 4 बार पड़ा लगता आपने रेप किया, आपको तेजाब की बुरी कर रहे, आपका कितना सामाजिक हनन हुआ, आपकी प्रतिष्ठा का हनन हुआ, आपके पैसे खराब हुए, घर में आपकी बेकदरी हुई, तो कानून भी इतनी सख्त कर दो, फांसी दे दो, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि रेप हुआ कि नहीं हुआ। जैसे केसेस देखेंगे हम उनके बाद में पता चलता है, अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि उन केसेस में या तो सजा नहीं होती या बाद में पता चलता है कि रेप हुआ ही नहीं था, या कई बार ऐसे भी केसेस सामने आए पुरुषोत्तम जी जिसमें रेप हुआ है, रियल में लड़की का रेप हुआ बट सबूतों के अभाव में मुजरिम को छोड़ दिया जाता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कई बड़े नेता हमारे उनका ये तक कहना है कि जो हिंदुस्तान में रेप केसेस बढ़ रहे हैं उसका कारण है आजकल समाज में जो महिलाओं का पहनावा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है, तो आप इस बात को काबिल से मिले इस बात नहीं, पहनावे की जहां तक बात है तो अभी मेरी समझ में आता है वो चल रहा था रेप रोको आंदोलन, तो उसमें मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स थे या दूसरे लोग थे अपने शर्ट उतार शर्टलेस होकर, और उससे मेरी समझ में आता रेप रोकने में क्या सहायता होगी, क्या लाभ मिलेगा, ये तो अपने कपड़े होता तो मतलब थोड़ी है, अब चाहे वो वस्त्रों से पूरी बात है कि मेरी उम्र के या मुझसे बड़े आयु के लोग जो हमारे भारत की संस्कृति सभ्यता है, अब समझ नहीं आता जरा जी मुझे अगर बात करे पुरानी की सभ्यता की, लो जी ये है वो है और हमारे कपड़ों का अगर कोई बात कर रहा तो अब हमें ये लोग बताएंगे कि हमें क्या पहनना है, मेरा कहने का मतलब शादी इतनी गहना है वस्त्र और शर्ट, चलिए मान लीजिए आपके लड़के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, लड़कियाँ साथ में पढ़ रही हैं, अब ये लीजिए एक वो आजकल चलना लिविंग लिविंग में रह रहे हैं 3 वर्ष से रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अब उसके बाद में रेप केस या ये यदि मुझे शादी का झांसा देखे मेरे साथ 2 साल तक रेप किया, ये क्या है, ये रेप केस है। बिल्कुल बिल्कुल मैं पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूँ। तो दोस्तों ये थे पुरुषोत्तम चोपड़ा जी जिन्होंने बताया कि समाज को और देश को और प्रशासन को क्या क्या करना चाहिए, क्या करने से अपराधी कमी हुई है या अपराध में कमी आ सकती है। तो अब देखना यह है कि समाज और प्रशासन पुरुषोत्तम चोपड़ा जी की बातों को कैसे अपनाते हैं, कैसे उनके उनको ग्रहण करते हैं, ये एक बात की बात है। मैं धर्म में जा रहा हूँ, सच के रफ्तार नहीं। धन्यवाद।